नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं आज की और इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। झारखंड विधानसभा चुनाव, हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने गमालियल हेब्रम को दिया टिकट। विमान निर्माण प्लांट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री को याद आए रतन टाटा, बोले देश ने महान सपूत को खो दिया। गैरी कस्टर ने पाकिस्तान की सीमित ओवर टीम का कोच पद छोड़ा। वडोदरा में भारत स्पेन के पीएम रोड शो एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। मोदी बोले पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। मोहित पांडे के परिजनों से मिले योगी, 10 लाख मुआवजा, बच्चों को फ्री शिक्षा का ऐलान किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 जगह चोट के निशान। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट जंगल में तेंदुए की सूचना, वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग, एनकाउंटर जारी। 4 दिन पहले आर्मी वैन पर हुए हमले में 5 की जान गई थी। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ से मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयवीर शेरगिल, बोले आप पंजाबियों की शान, युवाओं को आपसे मोटिवेट होना चाहिए। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली में लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग ने बिजनेसमैन के घर पर की फायरिंग, पर्ची छोड़कर भागे शूटर्स। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार ने बारामती सीट से दाखिल किया नामांकन। लखनऊ के ताज होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती से भरा नामांकन। चुनाव से 8 दिन पहले आज वोट डालेंगे बाइडेन, 4 करोड़ लोगों ने वोटिंग की। ट्रंप की न्यूयॉर्क रैली में शामिल हुए कई स्टार। अफगानिस्तान टीम ने पहला टूर्नामेंट जीता, इमर्जिंग एशिया कप में श्रीलंका को हराया। त्योहार को लेकर सीएमएचओ टीम की कार्यवाही, भारी मात्रा में जोधपुर पहुंचे रसगुल्ले और केसर बाटी, टीम ने लिए सैंपल। शिल्पा शेट्टी के बोस्टियन क्लब से बीएमडब्ल्यू चोरी। जेलेंस्की बोले मोदी यूक्रेन रूस जंग करवा सकते हैं, ब्रिक्स समिट फेल रही, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं। हवाई उड़ानों के बाद तिरुपति के मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हंगामा। पेपर लीक गिरोह सरगना, सुरेश ढाका भगोड़ा घोषित। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।